वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम एक सर्वर क्रिएट किए थे। इस वीडियो में हम हमारे प्रोजेक्ट डाटाबेस में कनेक्ट करेंगे। तो डाटाबेस में कनेक्ट करने के लिए आपको MongoDB सर्वर पे जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए MongoDB.com, देन MongoDB का सर्वर खुल जाएगा। आपको यहाँ पे ट्राई फ्री क्रिएट क्लिक करके आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट है तो आप साइन इन पे जाइए। तो मैं साइन इन पे जाके मेरा अकाउंट लॉगिन करके कर देने के बाद कुछ ऐसा मुझे दिखेगा, आपको भी ऐसा कुछ दिखेगा। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करके हमारे प्रोजेक्ट पे हम लिंक करेंगे। तो प्रोजेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ स्टूडेंट Node API DB, देन हिट सॉरी ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड दिस स्टूडेंट नोड टेस्ट API DB, देन हिट नेक्स्ट, देन क्रिएट द प्रोजेक्ट। दोस्तों ये एक तीन चार मिनट टाइम लगेगा सेटअप होने के लिए, तो थोड़ा वेट कीजिए। देन आपको एक क्लस्टर क्रिएट करना पड़ेगा। क्लस्टर पे क्या होता है दोस्तों, क्लस्टर पे हम हमारा डाटा जो स्टोर करेंगे प्रोजेक्ट का डाटा। तो आपको यहाँ पे तीन टाइप का क्लस्टर मिलता है, फ्री वाला मिलता है और ये कुछ घंटे पीछा और पीछा पैसा लेते हैं। तो आपको अगर कुछ प्रोडक्शन में डालना है तो आप खरीद सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्री क्रिएट करता हूँ। फ्री पे थोड़ा स्लो होता है मगर टेस्टिंग के लिए डेवलपमेंट के लिए इट्स ओके। देन क्रिएट क्लस्टर, हमारा क्लस्टर रेडी हो रहा है। यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि न्यू क्लस्टर्स टेक बिटवीन 1 to 3 minutes टू प्रोविजन। सो हमको वेट करना पड़ेगा 1 to 3 minutes तक। यह हमारा क्लस्टर क्रिएट हो चुका है दोस्तों। आपको डाटाबेस एक्सेस पे जाना पड़ेगा क्योंकि आपको एक डाटाबेस यूजर क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम डाटाबेस को एक्सेस करेंगे। तो मैं यूजर नेम यहाँ पे मैं देता हूँ, देन मेरा पासवर्ड में सेट कर लेता हूँ। आपको जो पासवर्ड यहाँ पे डालना है वो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। देन मैं ऐड यूजर क्लिक कर लेता हूँ और आपको नेटवर्क एक्सेस में जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कि आपको आपका आईपी एड्रेस सेटअप करना पड़ेगा। अगर आप आपका नोड एप्लीकेशन जो आप सर्वर पे डिप्ले करेंगे तो उसका आईपी यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर मैं इस मशीन पे रन करता हूँ तो मेरा मशीन का आईपी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो ऑप्शन हमको मिलेगा जो कि ये जो है करंट आईपी एड्रेस जो कि जहाँ पे हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। ये थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज के लिए नहीं है दोस्तों मगर मैं अभी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार मुझे चेंज करना पड़ता है टेस्ट करने के लिए। जब भी मैं सिस्टम खोलूँगा तो अभी वो न्यू आईपी एड्रेस में वो चेंज हो जाता है ना, इस वजह से मैं अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर क्लिक कर देता हूँ। तो कंफर्म क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ भी थोड़ा टाइम लग जाएगा जो पेंडिंग अभी देख रहा है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हम सब सेटअप कर चुके हैं और कंप्लीट होने के बाद आपको क्लस्टर पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे तीन ऑप्शन है कनेक्ट मैट्रिक्स। यहाँ पे जो मैट्रिक्स जो है आपका स्टैटिस्टिक्स दिखाएगा, मतलब कि कितने डाटा आप स्टोर किए हैं वगैरह वगैरह। और यहाँ पे आपका कलेक्शन दिखाएगा, जब भी हम डाटा को स्टोर करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो अभी हम कनेक्ट क्लिक करेंगे क्योंकि हमको अभी कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो कि फर्स्ट है मोंगो सेल, इस कमांड प्रॉम्प्ट को सेल के थ्रू पे आप कनेक्ट कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और ये MongoDB का कंपास वो एक सॉफ्टवेयर होता है, आप इंस्टॉल करके उसको भी यहाँ पे कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट योर एप्लीकेशन क्लिक करता हूँ क्योंकि हमको एप्लीकेशन पे कनेक्ट करना है। मैं कॉपी कर दिया हूँ, देन मैं मेरे कॉन्फ़िग एनवायरनमेंट में जाऊँगा, ये हटा देता हूँ। मैं थोड़ा टेस्टिंग के लिए डाल दिया था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोंगो URI इक्वल टू वो URI वो
एड्रेस मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। और पासवर्ड जो यहाँ पे है आपको चेंज करना पड़ेगा, जो पासवर्ड आप सेव किए थे उस टाइम पे यहाँ पे डालना पड़ेगा। मेरा पासवर्ड ये था, मैं ये डाल चुका हूँ। तो आपका ये जो टेस्ट यहाँ पे जो डाटाबेस है, यहाँ पे आपको डाटाबेस का नाम देना पड़ेगा, नहीं तो वो टेस्ट पे दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ न्यू स्टूडेंट FPIDB। मैं न्यू लिखा क्योंकि मेरा पहले एक इस नाम पे था, तो मैं न्यू लिख दिया। ठीक है, तो आपको अभी लॉजिक लिखना पड़ेगा डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। तो पहले आपको कॉन्फ़िग फोल्डर पे एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, जो मैं दे देता हूँ db.js उसका नाम। देन आपको कनेक्ट करने के लिए मोंगो चाहिए, तो मैं मोंगो यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ mongos। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ mongos। देन मैं एक कंस्टेंट क्रिएट कर लेता हूँ, कंस्टेंट वेरिएबल, और उसका नाम db देता हूँ, जो कनेक्ट मेथड है हम इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ async। असिंक क्या होता है दोस्तों? ये असिंक वेट एक कॉन्सेप्ट होता है नोड जेएस में। जब भी हम कुछ डाटाबेस कनेक्शन करते हैं कुछ ऐसा, तो आप असिंक अवेट यूज़ करेंगे। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप गूगल पे सर्च कर दीजिए। ठीक है, आपको सिर्फ ये लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं। देन आपको एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, जो कि है मैंने लेता हूँ कनेक्शन। यहाँ पे मैं दे देता हूँ await mongos डॉट कनेक्ट। यहाँ पे हम कनेक्ट मेथड यूज करेंगे, और इस पे जो पैरामीटर होगा वो है URI। तो URI हम स्टोर किए हैं हमारा एनवायरनमेंट वैल्यू से, एनवायरनमेंट फाइल में। तो वहाँ से हम डाटा को लेंगे URI को, प्रोसेस डॉट env डॉट, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन लॉजिक ख़त्म हो गया। देन मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ यूज़र को कि हमारा कनेक्शन हो गया। तो कनेक्शन को कंसोल डॉट लॉग आउटपुट पे शो करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ MongoDB इज कनेक्टेड टू होस्ट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे टिल ऑपरेटर लिया, क्योंकि दोस्तों हमको वो जहाँ पे वो जो सर्वर है उसका होस्ट नेम मुझे चाहिए, इसलिए मैं शो करना चाहता हूँ, इसलिए मैं टिल ऑपरेटर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ connection.con.connection.host। ठीक है, हम यहाँ पे होस्ट पा चुके हैं। ठीक है, फिर हम इस connect.db को एक्सपोर्ट कर देंगे, जो कि हम server.js पे फाइल पे उसको कॉल करेंगे। तो हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल डॉट, तभी हम server.js पे उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ connect.db। ओके, अगेन आपको server.js को आना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका जो db है, डाटाबेस लॉजिक है, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कह लिया हूँ connect.db, ये मैटर नहीं करता है दोस्तों। तो मैं लिख लेता हूँ रिक्वायर कनेक्शन, कॉन्फ़िग फाइल में हमारा है डाटाबेस। देन मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कमेंट कनेक्ट टू db डाटाबेस। ओके, और यहाँ पे जो मेथड है कनेक्टेड पे, हमारा मेथड है कनेक्टेड मेथड, यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, देन मैं कंट्रोल टी ऑपरेटर पे करूँगा, देन मैं सेव ऑल क्रिएट कर दूँगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया MongoDB इज कनेक्टेड टू होस्ट। ये होस्ट आ गया क्लस्टर का नाम जो था होस्ट।
ये आ गया, मगर यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, डेप्रिकेशन वार्निंग, दैट इज करेंट यू आर एल स्ट्रिंग पार्सर इज डेप्रिकेटेड एंड विल रिमूव इन फ्यूचर। ठीक है, तो हम कुछ यहाँ पे प्रोमिसेस ऐड करेंगे, ठीक है, ऑप्शन देंगे, जैसे कि यूज न्यू यू आर एल पार्सर, इसको ट्रू पे सेट कर देंगे, फिर यूज क्रिएट इंडेक्स, इसको भी ट्रू कर देंगे, देन यूज फाइंड एंड मॉडिफाई, इसको फॉल्स पे सेव कर लेंगे, देन यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी, इसको ट्रू कर लेंगे, ठीक है। देन मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब कुछ डेप्रिकेशन वार्निंग नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा कलर दे देता हूँ, ठीक है, डॉट ग्रीन ले देता हूँ, डॉट बोल्ड, ये कलर का जो कलर लाइब्रेरी हम इंपोर्ट किए हैं उसका ही पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ग्रीन से मैं ब्लू कर लेता हूँ, क्योंकि वो नॉर्मन का ये कलर ग्रीन है, ठीक है। तो हम कनेक्ट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक मॉडल क्रिएट करना है, मॉडल क्या होता है हम देखेंगे, मॉडल क्रिएट करेंगे, देन उसके नेक्स्ट वीडियो में हम राउट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं नाउ आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो, थैंक यू, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।